हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं। तो हमने पहला तो हमने कर लिया था, लेकिन उसमें मैं आपको ये बताना भूल गई कि सीजीएस से एमकेएस में कैसे चेंज करते हैं। भूले तो क्या थे, सोचा था आप कर लोगे, लेकिन हो सकता है नहीं कर पाओ। सीजीएस अगर आपको कोई सीजीएस क्वांटिटी दे दी जाए तो उसे एमकेएस में कैसे चेंज करोगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको दे देती हूँ एक 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको सीजीएस से एमकेएस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करोगे, ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट ये होती है, ये होती है ए बराबर क्या हो गया वन, सॉरी ए तो जीरो है, एन की पावर जो होती है वो ए होती है, बी कितना है वन है, सी कितना है माइनस वन, एन टू इज इक्वल टू एन वन, सेम फॉर्मूला यूज करना है। सी देखो कितनी जल्दबाजी है मुझे, एन टू एन वन कितना है फाइव। अब यहां देखो एन वन सेंटीमीटर है, ध्यान रखना जो दे रखा है वो वन 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 है, सेंटीमीटर मीटर पावर जीरो। अब फिर गलत कर दिया, गलत क्यों हुआ, किलोग्राम तो है ही नहीं, हम इसको क्यों लेंगे, एम का मतलब तो मास है ना, तो हम इसको लेंगे ही नहीं, हम यहां से स्टार्ट करेंगे फाइव, एल वन है सेंटीमीटर मीटर पावर वन टाइम सेकंड, ये वाला सेकंड में पावर माइनस वन, ये भी जाएगा काम से, क्या बचा एन टू इज इक्वल टू फाइव, मीटर में चेंज करना है, एक सेंटीमीटर में 10^-2 मीटर होता है, मतलब 0.05 मीटर पर सेकंड, ये होगा इसका आंसर। कोई भी अंतर नहीं है, वन 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 हम क्या लेते हैं जो आपको दे रखा है, और टू 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 हम वो लेते हैं जो आपको फाइंड करना है। उतार लीजिए इसको, नेक्स्ट टेस्ट करना है कि इक्वेशन रॉन्ग है और राइट है। तो जिन बच्चों के पास मैथ है, टेस्ट कैसे करते हैं हम किसी भी चीज को, एलएचएस बराबर आरएचएस करके, एलएचएस बराबर आरएचएस करके हम इसको टेस्ट करते हैं ना। जैसे कि आपको ये फॉर्मूला दे दिया जाए, आपसे पूछा जा रहा है इज इट रॉन्ग और राइट, कैसे पता करोगे, दोनों के आप डायमेंशन निकालो, यदि सेम आती है एलएचएस बराबर आरएचएस है तो फॉर्मूला सही है, यदि एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं है तो फॉर्मूला रॉन्ग है। तो करो इसमें एलएचएस निकालो, वी क्या होगी वेलोसिटी की, एल टी माइनस वन, ठीक है, आरएचएस यू प्लस एटी, U क्या इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एल टी माइनस वन प्लस ए क्या है एक्सेलरेशन, टी क्या है टाइम, एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू प्लस वन, कितना बचा माइनस वन। जब वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड होती है तो क्या बचती है, वेलोसिटी ही बचती है, तो वेलोसिटी ही बचती है, तो ये जो दोनों को जोड़ के आप इस टाइप से मत लिखना, ये गलत है, हम क्या करेंगे सिर्फ यही लिखेंगे एल टी माइनस वन, और हम नीचे क्या लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस
इसे ये फॉर्मूला कैसा है? बिल्कुल राइट है, उतार लीजिए इसको। अगला देखो, न्यूटन की इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है कि ये राइट है। राइट तो है, हम तो गलत नहीं कर सकते क्योंकि हम तो न्यूटन है नहीं है, और साइंटिस्ट ने बड़ी मुश्किल से रूल बनाए तो हम तो रॉन्ग करने वाले होते नहीं है, तो ये तो हमको पता है कि राइट है। अब हमें खुद को प्रूफ करना है कि ये चीज सही है या गलत है। तो सबसे पहले क्या क्या यूज में आ रहा है इसमें, क्या यूज में आ रहा है? एस डिस्टेंस है, डिस्टेंस की क्या होती है? एल। यू इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन। टी टाइम, इसकी डायमेंशन। ए एक्सीलरेशन, इसकी डायमेंशन होती है ये। तो इस टाइप से आप पहले डायमेंशन लिख लिया करो, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो एल एच एस डिस्टेंस की होती है एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। RHS की बात की जाए, RHS क्या है इसके अंदर? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो U क्या है? LT माइनस वन T प्लस, जो ये हाफ होता है ना इसको छोड़ देते हैं, हाफ को छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई में जो भी चीज होती है ना उसको हम हटा देते हैं, हाफ को हटा दिया। एक्सेलरेशन होगा एल टी माइनस टू और ये होगा टी टू, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो पावर अंदर चली जाएगी। अब इसको सॉल्व करो, टी माइनस वन टी प्लस वन जीरो, एल बचेगा सिर्फ, प्लस टी की पावर माइनस टू, टी की पावर प्लस टू, यहाँ भी बचेगा एल। और जब दो बार एल आ रहा है तो हमको एक बार ही एल लिखना है। क्या हो रहा है? एल एच एस बराबर आर एच एस, नोट कर लीजिए। चलो मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं। इस टाइप से कर लोगे ना सबको। एक चीज और देख लो पहले, कि यदि बीच में माइनस हो तब क्या करोगे? जैसे कि ये फॉर्मूला होता तब ये सही होता या गलत होता, वो देखो। एस की एल यू एल टी माइनस वन, टाइम का टी, जी का एल टी माइनस टू, वही एक्स है तो एक्सेलरेशन ही, और टी का टी। तो देखो एल एच एस कितनी है इसकी, एस एल, आर एच एस तो यू के लिए क्या लिखोगे? एल टी माइनस वन, फिर टी माइनस, तो माइनस रहेगा लेकिन हाफ को हटा देंगे। जी का क्या हो जाएगा? एल टी माइनस टू, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। माइनस वन प्लस वन, एल बचा, बीच में माइनस, माइनस टू प्लस टू, एल बचा। अब यहाँ चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आंसर तो यही आएगा। कहीं ऐसा ना हो इसको काट पीट के आंसर आपने लिख दिया जीरो,
गलत हो जाएगा आंसर, हमको जीरो नहीं लिखना है। वेलोसिटी में से वेलोसिटी को माइनस करते हैं तो वेलोसिटी ही बचती है, ठीक है। इसको जरूर से जरूर उतार दो, कंफ्यूजन का मेन क्रिएटर है ये। होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं कुछ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, स्मॉल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये एमकेएस में दे रखा है, इसको आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है और आंसर ये आएगा। सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिएगा। और आपको एक चीज बता दूं, एक न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाई, ये मैं आपको बता रही हूं याद करने के लिए। उतारिए इस वर्क को, ये जो वीडियो है ना इसके साथ मैं आपको एक वीडियो और सेंड करूंगी जिसमें बहुत सारे टाइप से आपको समझा रखे होंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे हम इसको निकालते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। वो आईआईटी पीएमटी लेवल की वीडियो है और वो मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो हो सकता है वो आपके काम आ जाए, तो मैं इसके साथ उस वीडियो को भी सेंड करूंगी, ठीक है। ध्यान रहे, इस वीडियो के साथ वो वीडियो भी आपकी सेंड करूंगी मैं। उसके अंदर से आप क्या करोगे, जो एक पार्ट होगा ना छोटा सा, वो पार्ट यही होगा कि एलएचएस बराबर आरएचएस को निकालना, तब उसमें से आप क्वेश्चंस करना, आपको मजा आएगा उन क्वेश्चनों को करके, ठीक है। और वो बाकी बची जो वीडियो है वो आपके बाद में काम आ जाएगी, जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ाते जाएंगे उसके अंदर से क्वेश्चन आप करते जाना। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, आपको ये प्रूफ करना है कि रॉन्ग है राइट है। क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू एम जी एल पाई आर स्क्वायर एल, ये यंग मॉडुलस है। यंग मॉडुलस है, आपको जो डायमेंशन का मैंने पूरा स्लिप भेजी थी होमवर्क में उसी के अंदर है। एम क्या है, मास। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। एल क्या है, लेंथ। स्मॉल एल भी लेंथ है। आर क्या है, रेडियस। और वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये फॉर्मूला राइट है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो बिल्कुल राइट का आएगा कि यस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। उतार लीजिए इनको, तो ये मैंने आपका सेकंड यूज कंप्लीट करवा दिया है। थर्ड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस वीडियो के साथ मैं आपको आईआईटी पीएमटी की वीडियो भेजूंगी, कंफ्यूज मत होना, वो वीडियो आपकी प्रैक्टिस के लिए होगी, सिर्फ आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो वो वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए भेजी जाएगी, हो सकता है उस बड़ी वीडियो के अंदर आपको इस पार्ट के अलावा कुछ पार्ट दिखे, तो आप तो सिर्फ डायमेंशन वाला पार्ट देख लेना, बाकी जो पार्ट है आपको समझ में नहीं आएगा वो समझाना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। थैंक यू।